चीन के गुलाम मुइजू को भारी पड़ेगा भारत से दुश्मनी। दोस्तों आपको पता है कि मालदीव में जिस तरीके की सरकार आई है वो भारत विरोधी लग रही है। आपको पता है कि हाल ही में मालदीव में इलेक्शन हुए थे जिसमें कि मालदीव की मौजूदा सरकार मालदीव में चुन करके आई है। अब उसके बाद अक्सर ये माना जाता था कि जब भी मालदीव में कोई भी सरकार चुनी जाती है तो उसका प्रेसिडेंट जो है सबसे पहले भारत आता था, क्योंकि मालदीव को पता है कि भारत इस क्षेत्र का सबसे बड़ा पावरफुल देश है। भारत के बिना इंडियन ओशन में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मालदीव को हमेशा जो है भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करनी चाहिए, मगर हाल ही में मालदीव के प्रेसिडेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे कि भारत काफी नाराज चल रहा है। उसमें सबसे बड़ा कदम ये था कि अक्सर मालदीव के प्रेसिडेंट जब भी चुन करके आते थे तो वो भारत आते थे, मगर इस बार जो है उन्होंने टर्की जाने का फैसला लिया और टर्की के बाद उनकी अगली विदेश यात्रा चाइना होगी। तो दोस्तों ये दिखाता है कि मालदीव भारत को कुछ ना कुछ सिग्नल देना चाहता है। दोस्तों मालदीव एक छोटा सा देश है, 5 लाख की आबादी है और 6,000 करोड़ के आसपास इसकी GDP है। उसका 70% इम्पोर्ट भारत से आता है। फार्मेसी के सारे प्रोडक्ट भारत से आते हैं, दवाइयाँ वैक्सीन भारत से आती हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने भी कुछ सालों पहले यही गलती की थी और आज उसे जो भी इम्पोर्ट भारत से करता था वो उसे 10 गुना ज़्यादा अमाउंट पे दूसरे देशों से खरीदता है और पाकिस्तान की इकॉनमी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। और हाल ही में आपने श्रीलंका के भी उदाहरण देखा है, वहाँ पर भी सरकारें जो हैं पहले भारत को कोसने में लगी थी, मगर जब श्रीलंका में क्राइसिस आई भारत सबसे आगे चल करके श्रीलंका का सबसे बड़ा मददगार साबित हुआ। तो दोस्तों आज मालदीव के बारे में जानते हैं और साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री जो लक्षद्वीप में विजिट करके मालदीव को कुछ सिग्नल देना चाहते हैं, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। मालदीव में मोहम्मद मुइजू की राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के उसके संबंध अब रसातल में पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद मुइजू इंडिया आउट कैंपेन चलाकर सत्ता में आए हैं और आते ही उन्होंने भारत के सभी समझौते को तोड़ना शुरू कर दिया है। मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा, भारत अपने सैनिकों को माले से हटाए ताकि उनके देश में लोकतंत्र की रक्षा की जा सके। मालदीव की राष्ट्रपति ने जब भारत के खिलाफ जहर उगला, ठीक उसी समय पीएम नरेंद्र मोदी ने मालदीव से सटे भारत लक्षद्वीप से अद्भुत तस्वीरें शेयर कर मोदी को कड़ा संदेश दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि पीएम मोदी का मालदीव को साफ संदेश है। मालदीव में मोहम्मद मुइजू ने राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के साथ उसके संबंध अब रसातल में पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद मुइजू इंडिया आउट कैंपेन चलाकर सत्ता में आए हैं और आते ही उन्होंने भारत के साथ सभी समझौतों को तोड़ना शुरू कर दिया है। मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत अपने सैनिकों को माले से हटाए ताकि उनके देश में लोकतंत्र की रक्षा की जा सके। मालदीव के राष्ट्रपति ने जब भारत के खिलाफ जहर उगला, ठीक उसी समय पीएम नरेंद्र मोदी ने मालदीव से सटे भारत के लक्षद्वीप से अद्भुत तस्वीरें शेयर कर मुइजू को कड़ा संदेश दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि पीएम मोदी का मालदीव को अब साफ संदेश है कि भारत को उसकी जरूरत नहीं है। मालदीव के राष्ट्रपति ने अपनी चीन यात्रा के ठीक पहले यह भी कहा कि अगर भारत अपने सैनिकों को मालदीव से नहीं हटाता है तो देश की जनता की लोकतांत्रिक इच्छा का असम्मान होगा और लोकतंत्र के भविष्य को संकट में डाल देगा। अब तक मालदीव का नया राष्ट्रपति बनने के बाद वहां के नेता सबसे पहले भारत का दौरा किया करते थे, मगर मुइजू ने इस बार जो है अलग ही रूट लिया। मुइजू ने इसको बदलते हुए तुर्की की यात्रा की और अब वह चीन जा रहे हैं। इससे साफ साफ पता लगता है कि मालदीव जो है अपने आप को ज्यादा ही तेज समझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत मालदीव की जनता की इच्छा का सम्मान करे। उन्होंने कहा कि बिना संसदीय मंजूरी के विदेशी सेनाओं को मौजूदगी मालदीव के संविधान का उल्लंघन है। मुइजू ने यह भी दावा किया कि भारत मालदीव के सबसे करीबी दोस्तों में शामिल है। मुइजू एक तरफ भारत को सबसे करीबी दोस्त बता रहे हैं, वहीं चीन के इशारे पर उन्होंने भारत के साथ होने वाले हाइड्रोग्राफिक सर्वे के समझौते को खत्म कर दिया है। माना जा रहा है कि मुइजू अब चीन के साथ ऐसे समझौते पर आगे बढ़ सकते हैं। ये समझौता साल 2019 में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान किया गया था। इसे भारत और मालदीव के बीच रक्षा समझौतों का प्रतीक माना जाता था। मालदीव के इस भारत विरोधी रुख के बाद अब मोदी सरकार ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है। पीएम मोदी के रणनीतिक रूप से बेहद अहम लक्षद्वीप से तस्वीरों को जारी करना और पर्यटकों से आने की अपील करना कई विशेषज्ञ मालदीव से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल मालदीव के समुद्री तट अपनी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। ये मालदीव की कमाई का प्रमुख स्रोत है। साल 2018 में भारत मालदीव के लिए पर्यटकों के स्रोत में मामले में 5वां सबसे बड़ा स्रोत था। साल 2019 में भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया। भारत से कुल 1,66,030 पर्यटक मालदीव पहुंचे।
कोरोना काल में भी भारत के 63,000 पर्यटक मालदीव पहुंचे, जो सबसे ज्यादा थे। साल 2021 और साल 2022 में भी भारत के 2.41 लाख पर्यटक के साथ शीर्ष पर बना रहा। साल 2023 में भी जून तक 1,00,000 लोग मालदीव पहुंच चुके थे। भारत का लक्षद्वीप ठीक उसी तरह से खूबसूरत समुद्री तटों के लिए जाना जाता है। अब सवाल उठता है कि भारतीय पर्यटक बड़ी मात्रा में मालदीव तो जाते हैं और वहाँ की सुंदरता का नज़ारा लेने के लिए और टूरिस्ट स्पॉट का लुत्फ उठाने के लिए वहाँ पर अक्सर अपने पिकनिक स्पॉट के साथ साथ अपने घूमने के नजरियों को बदलना चाहते हैं। मगर इसके साथ साथ भारत जो है अब लक्षद्वीप को भी बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है। यही कारण है कि भारत के जो अक्सर मालदीव जाया करते थे उनके लिए लक्षद्वीप एक विकल्प के तौर पर सामने आया है। इस टूरिज्म स्पॉट को पॉपुलर करने की उड़ान दी है भारत के प्रधानमंत्री ने। भारत का लक्षद्वीप ठीक उसी तरह से खूबसूरत समुद्री तटों के लिए जाना जाता है। हालांकि कई तरह के यात्रा प्रतिबंधों और पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाओं की कमी की वजह से यहां पर्यटक कम जाते हैं। अब पीएम मोदी ने खुद ही लक्षद्वीप को बढ़ावा देने की कमान संभाल ली है। बताया जा रहा है कि लक्षद्वीप के लिए जल्द से जल्द कनेक्टिविटी को सुधारा जाएगा और कई होटल भी खोले जाएंगे। इससे भारत पर्यटकों को मालदीव जैसी प्राकृतिक सुंदरता और भारत में भी देखने को मिलेगी। ये मालदीव के लिए बड़े झटके की तरह होगा, जिसकी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर काफी हद तक निर्भर है और ज्यादातर इकोनॉमी जो है भारत से चलती है। तो दोस्तों, ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक दुनिया के साथ साथ मालदीव के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, जिसमें सरकार ने अब उल्टे पैर चलना शुरू कर दिया है और भारत विरोधी कई सारे बयान को भी दिया है। दोस्तों, इतने बड़े देश से लड़ने के लिए मालदीव को अब बहुत कुछ करना बाकी है, इसलिए बेहतर होगा जिस रास्ते की ओर उन्होंने कदम रखा है उल्टे पैर वापस आ जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में उसकी अर्थव्यवस्था का काम तमाम होना तय है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।